कन्या भ्रूण हत्या वीडियो मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्टिंग वीडियो बनाकर हॉस्पिटल संचालक को कर रहे थे ब्लैकमेल। 7/9/2021 को डॉक्टर पवन जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शिवपुरी ने थाने आकर एक लेखित आवेदन प्रस्तुत किया कि मेरे मोबाइल पर सिद्धि विनायक हॉस्पिटल शिवपुरी का भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण के संबंध में बातचीत का एक वीडियो आया है जो कि वायरल हो रहा है। इसकी जांच मेरे द्वारा PCP एंड DT एडवाइज एक्ट के समकक्ष प्राधिकृत अधिकारी से कराने के लिए निवेदन किया। इस पर जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच समिति की रिपोर्ट के अधिमत के आधार पर तीन आरोपियों के विरुद्ध PCP एंड DT के एक्ट के नियम 18-10 धारा 22-23 के तहत कार्रवाई करने का कष्ट करें। यह आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध धारा 420 भादवी और धारा 18-10 PCP एंड DT का कायम विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान कथनों और साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में धारा में एक्ट में इजाफा किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल के द्वारा आरोपी गढ़ों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया, SDOP शिवपुरी अजय भार्गव के मार्गदर्शन में एक टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। इस प्रकरण में 17/9/2021 को एक आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण के आरोपी डॉक्टर पति पत्नी मौका देखकर फरार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी के द्वारा 2,000 रुपये का नाम घोषित किया गया। इसी दौरान विवेचना गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर वायरल वीडियो की जांच की गई। इसमें पता चला कि ये वीडियो दिल्ली के दो पत्रकारों और दो अन्य साथियों के द्वारा बनाकर हॉस्पिटल संचालक को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की गई है। जब हॉस्पिटल संचालक के द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो को वायरल कर दिया गया। इस पर प्रकरण में चार आरोपियों के विरुद्ध धारा 389 भादवी का इजाफा किया गया। इस प्रकरण में दो आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार कर 5 दिन का पुलिस रिमांड पर लाया गया। दोनों आरोपियों के कथनों के आधार पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाले दोनों आरोपियों को 3/10/2021 को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिनसे पूछताछ के दौरान स्टिंग ऑपरेशन में अन्य दो पत्रकारों के शामिल होने का पता चला है। इनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। प्रकरण में विवेचना जारी है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुनील खेमरिया, पूर्व थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक बादाम सिंह यादव, उप निरीक्षक दीपक पालिया, उप निरीक्षक रामचंद्र शर्मा, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक दीपक शर्मा, सहायक उप निरीक्षक आबिद खान, आरक्षक सलमान और कोतवाली टीम की भूमिका रही। और महिला ने अभी तक ने इसलिए बताया कि उसे ये बताया वहाँ आके कि मेरे को दो बच्चियाँ पहले से हैं और तीसरी बच्ची मेरे पेट में है, ये मैंने सोनोग्राफी करा ली। तो सामने वाले ने ये बताया उनको कि ठीक है हम कर लेंगे, जो हमारी आरोपियाँ हैं उसने तत्काल उसको बताया कि हाँ हम कर लेंगे इस पर कार्रवाई। और जो हमने इनाम घोषित किया तो कोई बात नहीं है, जो पूनम खान करके लड़की ने कहा इस बात को कि वो इस तरह चीज़ें कर लेगी, मैनेज कर लेगी और वो उतनी रिकॉर्डिंग बना के वो चले गए। इसमें जो चार लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने स्टिंग किया था उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसमें दो महिलाएं, दो पुरुष हैं। एक पर्टिकुलर चैनल से जुड़े हुए हैं पिछले 2015-16 से और उसी के लिए काम करते हैं। उनका पूछताछ PR में उन्होंने बताया है कि उनको किसी व्यक्ति ने उसी चैनल के माध्यम से बुलाया था और उसके आधार पर दो आरोपी और बनाए गए हैं अभी उनके बयानों के आधार पर और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। इनका ये बताना है कि ये लोगों को बोला गया था तो ये झांसी में जाके रुके थे होटल में और वहाँ से ही शिवपुरी ने उन्हें आना जाना किया और एक दिन आके स्टिंग करवाया, जो उनके सहयोगी पत्रकार ने सामने जाके उनको बताया कि ये हॉस्पिटल है, स्टिंग करना है। और स्टिंग करने के बाद में उससे पैसे लेने के लिए भी बात करने की कोशिश की उन्होंने और उसके बाद उसी व्यक्ति को उन्होंने वीडियो दिया और उसके बाद ये चले गए। तो हमने उनको चारों गिरफ्तार किया। अभी उनकी सारी बातों को हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। दो आरोपी जो हमारे जिनके खिलाफ एविडेंस पर्याप्त आ गए हम उनको गिरफ्तार करेंगे।